जो भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पार्ट वन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, अगर आप लोगों का सेशन 24 से 28 है, अगर आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गया है कोई भी चीज, जैसे कि आप लोगों का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, चाहे DOB यानी डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी, या अगर आप लोगों को कॉलेज चेंज करना है, या अगर आप लोगों को सब्जेक्ट चेंज करना है, तो किस प्रकार आप लोगों को चेंज करना है, आज किस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चेंज करके दिखाने वाला हूँ। साथ में आप लोगों को 100% चेंज हो जाएगा, जो कि आज किस वीडियो के माध्यम से फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। साथ में इसका लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है, तो आज किस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। आप लोगों को करेक्शन या सुधार करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल को गूगल या क्रोम में जाना है। सिंपली आप लोगों को lmno.ac.in ये लिखकर आसानी से सभी स्टूडेंट को क्या करना है, सर्च कर देना है। सर्च करते कुछ आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर आने में प्रॉब्लम होता है तो आप लोगों को किस प्रकार आना है आगे इस वीडियो को माध्यम से आप लोगों को वो भी मिल जाएगा जानकारी। इसलिए आप लोग सिर्फ इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और आसानी से आप लोगों का फॉर्म सुधार हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को मिलेगा ऑनलाइन पोर्टल यूजी। इस वाले ऑप्शन पर सारे स्टूडेंट को क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, कुछ आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद कुछ आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आना आएगा। आने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप लोगों को किस प्रकार करेक्शन करना है। करेक्शन के लिए यहाँ पर देख लीजिए लिंक एक्टिवेट किया गया है। देख लीजिए करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म यूजी सेमेस्टर फर्स्ट सेशन जो है 24 से 28। इस वाले ऑप्शन पर सारे स्टूडेंट को आप लोगों क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को लॉगिन करना है। तो लॉगिन यहाँ पर देख लीजिए कैंडिडेट लॉगिन वाले ऑप्शन पर सारे स्टूडेंट को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को लॉगिन करने के लिए सिंपली यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन आईडी, जो आप लोगों जो भी ईमेल आईडी अपना दिए थे वो देना है। उसके बाद आप लोगों को पासवर्ड इसमें दे देना है। पासवर्ड देने के बाद सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप लोग पासवर्ड भूल गए तो सिंपली नीचे में फॉरगेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लेना है। तो चलिए मैं सभी चीज फिल कर लेता हूँ, उसके बाद सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कुछ आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट का ऑल डिटेल देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप लोगों को एडिट या चेंज करने के लिए, अगर स्टूडेंट का नाम भी गलती हो गया तो वो भी आप लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। साथ में कॉलेज, सब्जेक्ट का नाम, हर चीज इसमें इस बार चेंज कर सकते हैं। पहले इससे पहले जो स्टूडेंट का नाम चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर आप लोगों का स्टूडेंट का नाम, DOB, फादर का नाम, मदर का नाम, चाहे कोई भी चीज गलती है, सिर्फ ऑनर सब्जेक्ट छोड़ के, तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए चेंज करने के लिए सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर सारे स्टूडेंट को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं, कुछ आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को ऑल डिटेल देखने को मिल जाएगा। ये जो आप लोगों को सिर्फ 9 तारीख तक डेट दिया गया है, अगर 9 जून तक आप लोग जो भी स्टूडेंट अगर चेंज नहीं करते हैं, उसके बाद आप लोगों को कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। इसका डेट जो है 8 और 9 जून तक रखा गया था, लेकिन आप लोगों को 9 जून के 10 बजे लिंक एक्टिव किया गया। उसके बाद हो सके तो इसका डेट भी बढ़ सकता है, वो बात की बात है, लेकिन आप लोगों को 9 जून तक हर हाल में आप लोगों को एडिट या अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं कुछ, तो आप लोगों को सही कर लेना है। इसके लिए आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो सिंपली देख लीजिए सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन आईडी देना है, देखने को मिलेगा तो आप लोग अपना देख लेना है। उसके बाद अगर आप लोगों का नाम में गलती है तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी चीज सही करना है वो आप लोगों को सही सही भर देना है। उसके बाद आप लोग इसी प्रकार DOB चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर फादर नाम चेंज कर सकते हैं, मदर नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए नेशनलिटी भी चेंज कर सकते हैं, उसके बाद रिलीजन भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए स्टेट, डोमिसाइल, सब चीज चेंज कर सकते हैं। जो भी चीज गलती है वो आप लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए आप चाहे तो आधार नंबर भी, जो भी चीज डाले हर चीज चेंज कर सकते हैं, एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग सभी चीज चेंज कर लेते हैं, सिंपली आप लोगों को क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सारे स्टूडेंट को क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कुछ आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिंपली यहाँ पर देख लीजिए डिटेल, सेव सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आप लोगों को ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कुछ आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर चाहे तो अगर आप लोग फोटो अगर चेंज करना चाहते हैं तो फोटो भी चेंज कर सकते हैं, और आप लोग न्यू फोटो अपलोड कर सकते हैं अगर आप लोग पहले फोटो गलती कर दे। उसके बाद चाहे तो डॉक्यूमेंट भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं न्यू, चाहे तो आप लोग सिग्नेचर एंड कोई भी चीज इसमें आप लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए सिंपली आप लोगों को देख लीजिए फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप लोगों को जो भी गैलरी में फोटो है वो आप लोगों को अपलोड कर देना है न्यू, आसानी से आप लोगों को चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सारे स्टूडेंट को क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कुछ आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगला डिटेल जो है आप लोगों को कॉलेज एंड सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को क्लिक ओके फॉर कॉलेज सिलेक्शन, आप लोगों को आगे जो है कॉलेज चेंज करने के देखने को मिलेगा। तो सिंपली सारे स्टूडेंट को ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कुछ आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आप लोगों को न्यू सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को इंटरमीडिएट 12
रिजल्ट स्ट्रीम पास, आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करना है, साइंस आर्ट कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट है वो चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को सेम एड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले वैसे आप लोगों की ये फाइल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को फिर से पूछा जाएगा कि आप लोग कौन सा जिसे ट्वेल्थ पास किए, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, यानी ऑल डिटेल आप लोगों को फिर से भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आठ सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोग शुरू में ही चूज किए थे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मेजर सब्जेक्ट आप लोग जो भी ऑनर से रखना चाहते हैं या रखे होंगे वो आप लोगों को पहले से यहाँ पर दिखाई देगा। ये सब्जेक्ट आप लोगों को सिर्फ मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, इसके अलावा आप लोग कोई अदर सब्जेक्ट है तो चेंज कर सकते हैं। जैसे सब्सिडी आप लोगों को मल्टी डिसिप्लिनरी या MIL या SEC या BSc कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं या कॉलेज भी चूज कर सकते हैं, उसके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर देख लीजिए आप लोगों को चेंज करने के लिए कॉलेज या सब्जेक्ट चेंज करने के लिए नीचे आना है कॉलेज एंड सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में। उसके बाद यहां पर देख लीजिए कॉलेज प्रेफरेंस वन वाले ऑप्शन पर आना है, आप लोगों को यहां पर डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, उसके बाद कॉलेज चूज करना है, उसके बाद माइनर सब्जेक्ट चूज करना है, उसके मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चूज करना है, उसके बाद MIL सब्जेक्ट चूज करना है, उसके बाद SEC सब्जेक्ट यानी स्किल सब्जेक्ट चूज करना है, उसके बाद BSc वैल्यू एडेड कोर्स आप लोगों को चूज करना है। इसी प्रकार आप लोगों को जो भी चेंज करना चाहते हैं, जो भी न्यू भरना चाहते हैं वो आसानी से फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर सारे स्टूडेंट को क्लिक कर देना है। सभी चीज चेंज करने के बाद क्लिक करते हैं कुछ आप लोगों के इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को डिटेल हैव सक्सेसफुल क्लिक ओके फॉर प्रीव्यू, यानी आप लोगों को सभी डिटेल जो जो भरे वो सक्सेसफुल हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है ओके वाले ऑप्शन पर सारे स्टूडेंट को क्लिक कर देना है। जैसे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ आप लोगों को इस तरह का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। जो भी आप लोग न्यू में फिलअप किए थे या आप लोग जो भी चेंज नहीं किए होंगे वो ऑल डिटेल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को फिर से यहाँ पर मिला लेना है। मिलाने के बाद आप लोगों को क्या करना है स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद ऑल डिटेल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और नीचे आने के बाद आप लोगों को फोटो एंड सिग्नेचर भी स्टूडेंट को देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को एक बॉक्स देखने को मिलेगा, देख लीजिए इस बॉक्स पर सारे स्टूडेंट को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को टिक आउट कर लेना है। टिक आउट करने के बाद आप लोगों को फाइनल सबमिट फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप लोग यहाँ तक फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं करते तो आप लोग वहां पर पहले चेंज भी कर दे होंगे तो आप लोगों को चेंज नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को फाइनल सबमिट फॉर्म आप लोगों को सारे स्टूडेंट को करना जरूरी है, इसी तभी आप लोगों को चेंज होगा। सबमिट करते हैं कुछ आप लोगों के इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर देख लीजिए आप लोगों को देखने को मिलेगा डिटेल हैव सक्सेसफुल क्लिक ओके फॉर पेमेंट, यहां पर आप लोगों को पेमेंट मांगा जाएगा। तो आप लोगों को पेमेंट नहीं करना है, घबराना नहीं। जो भी स्टूडेंट अगर रजिस्ट्रेशन इससे पहले कर लिया था, अगर पेमेंट करने से छूट गया था, तो उसके लिए मौका दिया गया है कि स्टूडेंट पेमेंट करके अपना फॉर्म को जो है फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप लोगों को गलती था फॉर्म में तो आप लोगों को करेक्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं करना है। सिंपली आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद ओके वाले ऑप्शन पर सारे स्टूडेंट को क्लिक कर देना है। जैसे ओके वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो कुछ आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यू हैव ऑलरेडी पेड योर फी, यानी अगर आप लोग पहले पेमेंट कर चुके थे तो आप लोगों को इस प्रकार का आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट पेमेंट पहले नहीं किया था इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए तो आप लोगों को वहां पर पेमेंट मांगा जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को करेक्शन कर लेना है। अगर आप लोगों को अब न्यू प्रिंट आउट करना है तो प्रिंट आउट निकालने के लिए सिंपली आप लोगों को प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपना PDF आसानी से डाउनलोड करना है कर लेना है। तो मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बता दूंगा किस प्रकार आप लोगों को फॉर्म को करेक्शन करना है। अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। साथ में अगर कोई डॉट है प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी हेल्प मिल जाएगा। साथ में कोई भी मिथिला यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग छोटी बड़ी अपडेट आएगा तो सबसे पहले वहां पर भी दे दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बता दूं। इसके बावजूद अगर कोई डॉट है प्रॉब्लम है तो इस कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।